आ गिर गया ना मैं, खत्म। यही काम होते भाई घर में आके। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। तो सबसे पहले आप सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, तो स्वागत है आपके न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी उठ चुका हूँ मैं, 7 बज चुके हैं, सबसे लेट उठ रहा हूँ आज। तो आज की एक्टिविटी क्या होती है वो दिखाने वाला हूँ आपको। गुड मॉर्निंग पापा, सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे थे, थोड़ी सफाई वफाई कर ली, आग वाग जला ली पापा ने। अब मम्मी हमारे वहाँ बर्तन धोने में लगी है, बहुत ठंडा हो रहा है यार, बाप रे धूप भी नहीं आ रही आपको। अब इसलिए अब आग सेकेंगे, आज मेरे मुँह में दिखाई ऐसी आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्या बना रही तू आज? क्या बना, देर हो गई है। आलू की परोठी बना रही आज? आलू की परोठी बना रही, दोस्तों मम्मी ने हमें चाय रखी है। अरे बेटी चाय? अब पी रहा हूँ चाय, चाय पी लेते पहले। क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों चाय पी लेते प्यारे से मौसम में, देखो सुबह सुबह चाय, आज तो उसको चाय पीनी है। और ये ऊपर से आग जली है यहाँ पे सगड़ में मस्त तरीके से, इस मौसम में इस आप चाय पियेंगे यहाँ पे। तो सुबह सुबह दोस्तों मम्मी ने बना दी पराठे, घी वाले पराठे एकदम मस्त तरीके से। ये देखो आप आलू के पराठे बोले थे, बना दी घी के पराठे, आओ रे जिसको खाना है। अच्छा अब मैं भी रेडी हो चुका हूँ एकदम, फ्रेश हो गया एकदम मस्त तरीके से। अब खाना ना खाएंगे थोड़ी बार, मस्त मस्त पराठे देखो मम्मी के हाथ के। चलो अभी तो पराठे बना, ठीक है पहले मस्त मस्त वाले, थोड़ी देर बाद खाते खाना। और मौसम की बात की जाए तो देखो प्यारी सी धूप भी आ चुकी है, ये धूप आने लग गई हमारे घर के टाइप घर के साइड को। तो दोस्तों देख सकते हो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आ चुकी है मेरे लिए खीर, और इसमें क्या रखा है मम्मी ने, सब्जी, और ये है इसमें है रोटी, ये मेरी फेवरेट घी वाली रोटी, आ जाओ बड्डू की रोटी खाती है। तो आप चलो खाना ना खाते हैं हम लोग भी, आ जाओ आप लोग भी, आपको खाना है तो। ये देखो रोटी खाएंगे दोस्तों, ये घी वाली रोटी एकदम पराठे, आ जाओ आपको खाना है तो, आ जाओ आ जाओ। अब खाते हैं पराठे, लो आप लोग भी खाओ, वो भी खाना है। तो दोस्तों सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है कंप्लीट, हाँ मज़ा आ गया खीर वीर खा के। तो मम्मी भी आ गई है, आप अपना नाश्ता करेगी यहाँ पे, मटर की रोटी खाएगी सब्जी, यहाँ बैठा है। ए ए जिस जिस पापा को देखो वहाँ पर सुबह सुबह लकड़ी फाड़ रहे हैं, ये इतनी लकड़ी फाड़ दी पापा ने। देख लो हमारे उठने से पहले पापा ने सब काम कर लिया, झाड़ू पोछा, लकड़ी फाड़ना, पानी भरना। मम्मी और मैं तो अभी उठ रहे हैं, एक दिन नाश्ता से नाश्ता भी नहीं बस। बोलो क्या लेके आ रखा है? खीर। क्या है आज? आज कुछ नहीं। कुछ तो है, तू खीर लेके आ रहा है? अच्छा निकाशी से? सब लोग सब क्यों लेके आए? अच्छा हमारे बच्चों, तू मुर्गी मारने है यार? मुर्गी मारने बहुत मुर्गी भी रात भी किया। चलो आज चलेंगे ठीक है? चलो ऐसे ही मिलके भी आते हैं, एक अपना दोस्त वही तो है, एक जिस रोहित में है उस पर गांव, कितनी प्यारी सी धूप आ रखी है। ये देखो एक बार नजारे आप गांव के। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। ये देखो प्यारी सी धूप सेक रहे हैं पहाड़ के लोग, आ जाओ हमारे उत्तराखंड रॉयल गांव घूमने। तू से हुए ऐसे और मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए हीरो गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग को दादा, गुड मॉर्निंग को दे। कौन? गुड मॉर्निंग,
भूमि कितनी बड़ी हो गई है और शर्मारी है ना। हेलो पट्टी गांव की हमारी पट्टी ये नितिन भाई लोग की पट्टी और की है। कालू कौन है तेरा नाम क्या है बता दे। दक्षु क्या बता रहे तू कुछ चाहते हो। हाथ छोड़ तो पकड़ो हाथ छोड़ हाथ छोड़ तो फोटो खिंचा। गुड मॉर्निंग भाई क्या हाल है। बढ़िया चमक रहे हो तुम तो चमक रहे हो एकदम। क्या बात कर रहे हैं तो भाई से मिलिए। गुड मॉर्निंग भाई के साथ जब भी हम मैं आता हूँ तो भाई के साथ ही रहता हूँ। भाई की मैं तो मन नहीं लगता। क्या करे फिर भाई और सुनाओ फिर। बस बढ़िया यार दिखाओ तो कैसी बन गई। तू तो हीरो लग रहे हो यार। अच्छा लग रहा हूँ मैं। ओह गुड मॉर्निंग। ये हमारा अम्मा से यार हमारे सेकी नंबर दादी। अम्मा ठीक चिंतू ठीक से यार। अम्मा जब तो काम हम रोहित में कोई नहीं करनी हो रत लग रहे रेल गाड़े गोड़े सब गुड़ा रहे ना हम बहुत लोग जानते हैं यार। कमु हमारा डांस भी करती है बहुत अच्छा। कमु इंस्टाग्राम आई डी बता दू कि नाम से इंस्टाग्राम आई डी फॉलो कर लोग बता बता नाम से मम्मी नाम से राधा रावत। राधा रावत को आप फॉलो करो। मामा और मैं डांस देखे तो मस्त बात मेरी यहाँ गोकुल की फोटो है। हाँ ठीक है। तो आपको हमारे गांव के पुराने घर देखने को मिलेंगे। देखो जो पुराने जमाने में हमारे घर थे ना गांव के ये हमारे दादा दादी लोग रहते थे ये घर है उनके। देखो प्यारे प्यारे से ये और एक खूबसूरत सा घर देखो हमारे गाँव का ये काफ़ी सुंदर दिखने में ये। और हम ब्लॉगर साहब अति बयान एडिट करनी है वीडियो उठनी है। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी देखो लोगों ने मिर्च विर्च एक अदरक हल्दी ये हो रखे ये लडेरी ये सब लोगों के अपने अपने मतलब खेतों से जो हो रखे ना ये देखो सुखाने रखे हैं। ये बच्चे हमारे ला के नींबू आ क्या करोगे इनसे नींबू छान ला है। गजब तुम्हारे चोर की ला रखो क्या। अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों के साथ आज खाएंगे हम नींबू। आप दिखाते हैं कैसे कैसे बच्चे लोग छान रहे क्या कर रहे हैं। तो धूप धूप तो मैंने सेक ली है मस्त से गांव वालों से मिल गया हूँ। अब चलते हैं पापा के साथ। पापा गए हैं जंगल लकड़ी फाड़ने तो देखते हैं पापा की थोड़ी हेल्प भी कर देते हैं यार। अब गाँव में आकर तो इतनी हेल्प तो बनती है पापा की। देखो दोस्तों पेड़ भी यहाँ पर टूट रखे हैं ये सारे पेड़ हमारे देखो टूट रखे हैं। पापा वो है देखो लकड़ी ले रहे हैं वहाँ से। बार हमारे गांव को देखो आप दूर से कितना प्यारा लगता है हमारे गांव। देखो ये वाह क्या नज़ारे हैं यार गांव के। और यहाँ पर हमारा घर देखो नीचे और यहाँ मंदिर भी है। तो आपको ये लेफ्ट दिख रहे पेड़ टूटे हुए जितने भी हंगाट पहाड़ी भाषा बोलते हैं लकड़ी ये सब ये पेड़ टूट गया था अपने आप। तो ये देखो पापा ने इतने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठे कर दी है। बाप रे वहाँ से यहाँ आ गया। मैं डालिए खुद बच्चों अच्छे हिंगारते ऐसे नहीं आ रहे। ये देखो अब इसको ले जाना है मेरे को। बाप रे हाँ चला मैं देखो दोस्तों 1 2 3 ये क्या सही है सही। हाँ जंगल में ऐसे ही काम करना है पापा और मैंने। ये देखो जितनी लकड़ियां हैं सब पहुँचा नीचे तो इनको कब ले जाएंगे नीचे नीचे जाएंगे बाद में जब सूख जाएगा ये काटूंगा अभी शाम को फिर ले जाएंगे ना।
बाप रे ये देखो दोनों लगे हैं आज। बाप रे ठहरी अच्छा कहाँ तक ले जाए इसको फेंक दूँ हो गया कंप्लीट तो हमारे लकड़ियाँ भी सब हमने नीचे फेंक दी है अब बारी है इनको नीचे डालने की उसके बाद पापा से काटेंगे फिर उसके बाद चलते घर को गांव में आ रखे तो इतना काम तो बनता ही भाई पहाड़ों में रहना सब बोलते ना आसान है एक बार आओ तुम पहाड़ फिर ले तुम्हें पता है यहाँ की बात लाइफ जी के देखो आप जो पहाड़ी लोग हैं उनको छोड़ के विदाउट बाहर के लोग लेकिन आपको काम करते करते आपकी कसरत भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा आपको एक बार पहाड़ों में आओ काम करो लेकिन पहाड़ की लाइफ अच्छी है यार कैसे भी हो ना शहर से तो बहुत अच्छी लाइफ है पहाड़ की तले तो लात मार दो मैं एक ये और बस चले गए उसको चलता हूँ घर को मार क्योंकि लकड़ियाँ सब इकट्ठा कर ली हमने अब पापा से काटेंगे इसको बाद में लेके आएंगे अभी मैं पापा के लिए लेके आता हूँ कुल्हाड़ी आप रे थक गया रे हमने मस्त आज पता लगा हमने कल लकड़ फाड़न और लकड़ इकट्ठा करण क्यों मैन विशाली क्या ना अरे ये देखो बच्चे यहाँ पर छाने नींबू लो भाई एप्पल ठीक है ये खा रहा मत इसको ठीक है खट्टे महाराज को जरा ये महाराज को देखो जरा फैंसी ऊपर से चढ़ के देखो अच्छा गांव में जो भैंस होता है ना भैंस जो उसकी जोड़ीदार होते हैं ये बकरियां होती है इनके साथ भैंस भी खेलता है देखो उन्हें कुछ नहीं करेगा आगे जोड़ीदार का भैंस का ठीप 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 मान नहीं आ रहा मुझे मान नहीं आ रहा है मुझे मान नहीं आ रहा है दोस्तों देख सकते हो आप ये नींबू छान के बच्चों ने दे दिया मुझे ए तुझे अपने इसमें दिखा कितना तेरे देखा ये देखो खाओ खाओ पवन भाई आपने खा रहे हो क्या ये देखो अकेले अकेले है मस्त हो रहा फल हो रहा इसको नहीं दे रहे हो क्या तू बंद दे तो विशाल भाई यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा के ना ब्लॉग बना रहे हैं बहुत जो जा रहे जय माला डाल लो जबने पहली तो मैं मलिया हूँ कहाँ पहली मलिया हूँ पच्चीस नवा हूँ तू जैसी जय माला डाल लो जब आईफोन निकाल दे हटो ना आईफोन वाला की हटो रे हटो रे क्या अरे भुला काम बहुत जो मदद करने का नहीं नहीं बहुत जो ना रहते बहुत काम कर यार डायलॉग क्या था तुम्हारा यार बताओ यार तुम लड़की तो हम भी शादी कर लेंगे वाला नहीं 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 बताओ यार तुम अगर आपको पवन भाई से शादी करनी है तो पवन भाई घर का सारा काम कर लेगा उसकी बीवी नौकरी करेगी पवन भाई का यही डिमांड है ये पवन भाई ने डिसीजन लिया है ना हमारे उत्तराखंड में जो लड़कियां बहुत सरकारी सरकारी लड़के ढूंढ रहे हैं ना तो ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे देखो कोई मिल सकता है क्या लड़का करेगा घर का काम और लड़कियाँ करेंगी जॉब तुम दिल्ली घूमो मुंबई घूमो कोई दिक्कत नहीं है खर्चा पहुँचा देना तुम पैसा
महीने का खर्चा 10,000, बाकी बल्द भैंस बकार जगह जाना सब हम कर लो। तो मैंने ले ली कुल्हाड़ी, पहाड़ी भाषा में कोनी रमट, हमारे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं रमट। तो पापा को चाहिए लकड़ी वकड़ी फाड़ेंगे इससे, उसे बहुत काम करती है। इतनी लकड़ी देखो इकट्ठी भी कर ली हम लोगों ने, अब उसको लेके भी जाऊँगा घर को मैं। पापा ने बहुत काम किया पहाड़ों में भाई, काम भी करना पड़ता है। आई हो तो कहाँ पर इकट्ठा करें लकड़ी, ये इतने बच गए अभी, अभी इतना ले जाता हूँ, बाकी फिर आप लेके आना, सब रखूँगा ऐसे आप। तो देखो सर पे इतना बड़ा रोक दिया बोझा, अब जाना है मेरे को लेके इसको। बाप रे छुटला जब ना, बाप रे आज गिर गया ना मैं ख़त्म। यही काम होते हैं भाई घर में आके, थक गया मैं तो लाके इसको पूरा दे मैंने। अब चलते घर को, बाप रे थक गया मैं समझ के। अच्छा देखिए आए देखो मैं ये रास्ता देखो एक बार, ऐसे रास्ते से वो रख दिया यहाँ पर हमने बोझा अपना। अब चलते हैं अपने घर को, अब नहा धो भी लेते हैं, उसके बाद तैयार भी होना। तो दोस्तों मम्मी चाय लेके भी आगे मिल ले, थक भी गया हूँ बहुत आज, आज बहुत काम भी कर दिया पापा के साथ, बहुत काम कर रहा है आज मैं। पीते हैं दिन की चाय, पूरा मुँह उतर गया मेरा आज। ये दाल बना दी है मम्मी, किसी दाल है मासी दाल, ये आज मेरी फेवरेट है भी मासी दाल, मम्मी ने बना दी, अच्छी लगती मुझे। जब तक खाना ना बनता तब तक हम लोग आप पहले चाय वाय पी लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज दिन भर काम करने के बाद फिर थकान भी मिट गई है, नहा भी लिया मैंने मस्त तरीके से, ये हाय हाय धूप भी, नहाने के बाद धूप सेकने का मज़ा भी लगी है देखो। और हमारे बूबू जी ग्वालियर से आ गए, आ गाओ। तो दोस्तों अब दिन का खाना खाते हैं, दिन का खाना ही बन चुका, बन के हमारा रेडी हो चुका है, दिखाता हूँ खाना। ये बन चुकी है हमारी मांस की दाल, ये देखो गजब, ये देखो दोस्तों मांस की दाल और भात और पहाड़ी अचार भी है खाने में। कौन बड़ा पापा है, बढ़िया एक नंबर पापा, बोले अच्छा बढ़िया हुआ एकदम मस्त, बढ़िया हुआ। तो दोस्तों दिन का खाना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, आज की दिनचर्या बहुत हो गई है, अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।